नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नील और आप देख रही इंडियन लेटेस्ट ट्रिक्स। दोस्तों अगर आपको भी चाहिए घर बैठे लोन, जी दोस्तों अगर आप घर बैठे सिर्फ अपने आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से लोन लेना चाहते हैं, जी दोस्तों कोई डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं देना है, बस आपको देना है सिर्फ आपका आधार कार्ड पैन कार्ड और आप दोस्तों इस लोन को ले सकते हो पूरे 1 लाख से लेकर 15 लाख तक का। जी दोस्तों इस वीडियो में आप पूरा लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि हाँ दोस्तों मैंने यहाँ से लोन लिया है और आप भी ले सकते हो सिर्फ अपने आधार कार्ड पैन कार्ड पर लोन। जी दोस्तों आपको बताऊँगा दोस्तों कौन सा एप्लीकेशन है, कौन सा बैंक है, कैसे आपको अप्लाई करना है, पूरा जानकारी दूंगा दोस्तों ताकि दोस्तों आप अच्छे से समझ सको और आप भी दोस्तों घर बैठे इंसान पर्सनल लोन अपने सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से ले सकते हो। जी दोस्तों आधार कार्ड पैन कार्ड से लोन लेने के लिए दोस्तों आपको बता दूं इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि हाँ भाई दोस्तों मुझे कितना लोन मिला था और कैसे मैंने अप्लाई किया था, पूरा A to Z आपको जानकारी दूंगा ताकि दोस्तों आप अच्छे से समझ सको और आप भी घर बैठे सिर्फ अपने आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से पूरे 1 लाख से लेकर 15 लाख तक का लोन आप ले सको। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करते हैं सपोर्ट मिलता है कि आपके लिए इस वीडियो लेकर आता हूं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ दोस्तों ये बेल घंटा दिख रहा है इसे भी दबा दीजिएगा कि दोस्तों आने वाली जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिलता रहे और एक लाइक भी कर। जी दोस्तों अगर आपको भी चाहिए सिर्फ आपके आधार कार्ड पैन कार्ड पे लोन पूरे 1 लाख से लेकर 15 लाख तक का, जी दोस्तों बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के, कोई डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं देना है, अगर आपके पास सिर्फ आपका आधार कार्ड पैन कार्ड है उस पर लोन आप ले सकते हो। मैंने दोस्तों लिया है उसके बाद मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि सर आप लाइव प्रूफ दिखाओ, तो लाइव प्रूफ देखो भाई, मैंने ट्राई किया है और आपको मुझे मिला है और आपको भी मिल सकता है। दोस्तों बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि दोस्तों कभी भी आप आधार कार्ड पैन कार्ड पर लोन लेते हैं तो आपका सिविल सही होना चाहिए तब जाके आपको लोन मिलेगा, ये मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अपना सिविल चेक कर लीजिएगा, एक एप्लीकेशन का लिंक दिया नीचे, वहाँ जाकर दोस्तों अपना सिविल चेक कर सकते हैं उस एप्लीकेशन में। और आपका सिविल दोस्तों 600+ रहा, 650 रहा, 650+ रहा तब जाके इस लोन को ले सकते हो, ठीक है। दोस्तों बता दूं यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डीजी बैंक के बारे में, ध्यान रखिए दोस्तों डीजी बैंक के बारे में। पहले आप दोस्तों लाइव प्रूफ देख लीजिए स्क्रीन पे, यहाँ पे मुझे कितना लोन मिला था, मैंने दोस्तों कई EMI जो है मैंने भर दिया है, अभी दोस्तों 6 महीने के लिए यहाँ पे EMI यहाँ पे मतलब डीजी बैंक वाले ने रोक रखा था, ठीक है, RBI के थ्रू, मतलब जैसे कि अपने देश में लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, तो इसकी वजह से ही ये EMI हमारा रुका हुआ था, अब मेरा दोबारा EMI में कटा है। काफ़ी अच्छा बैंक है दोस्तों डीजी बैंक, आपकी मजबूरी का भी ये देख रेख करता है, ध्यान रखिए दोस्तों। मान लीजिए हम लॉकडाउन में बैठे थे तो वो जानता था हाँ भाई बैठे हैं तो कहाँ से पैसे देगा, इसलिए दोस्तों EMI भी उसने रोक दिया ऑटोमेटिक, मुझे कस्टमर के पास कॉल भी नहीं करना पड़ा, ठीक है, ये ऑटोमेटिक डिजिटल मतलब ये सब प्रोसेसिंग ऑटोमेटिक हो गया, ठीक है। बस मेरे पास कॉल आया, मैंने कह दिया हाँ भाई मुझे 6 महीने के लिए यहाँ पे EMI रोकना है, तो उन्होंने रोक दिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्याज भी नहीं देना पड़ रहा, सिर्फ 1000 रुपये 3 महीने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों बता दूँ यहाँ पे आपको कैसे आपको अप्लाई करना है। डीजी बैंक दोस्तों एक ऐसा बैंक है जिस पे दोस्तों आप दोस्तों लोन भी ले सकते हो और अपना अकाउंट भी हैंड टू हैंड खोल सकते हो, ध्यान रखिए जब आपका अकाउंट खुल जाएगा तभी जाके आपको लोन मिलेगा। और दोस्तों अकाउंट खोलने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप तो घर बैठे ही इसे आप खोल सकते हो सिर्फ अपने आधार कार्ड पैन कार्ड पे, बस आपको देना है अपना सेल्फी देना, आधार कार्ड पैन कार्ड और सो आधार कार्ड पे जो मोबाइल में अटैच है वो आपके साथ में होना चाहिए, डिजिटल साइन हो जाएगा, ध्यान रखिए दोस्तों आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आधार कार्ड पे मोबाइल में अटैच नहीं है तो आपके यहाँ पे एजेंट आएंगे और आपसे फिंगर लेंगे, अगर आपके मोबाइल पर आधार कार्ड लिंक है तो कोई दिक्कत नहीं, हैंड टू हैंड खुल जाएगा और हैंड टू हैंड ही आप दोस्तों इसे आप लोन के लिए अप्लाई भी कर सकते हो अगर आपका सिविल सही रहा तो। दोस्तों मैंने भी ऐसे अप्लाई किया था, मुझे भी दोस्तों फटाफट 75,000 का लोन हैंड टू हैंड मिल गया था और इसी बैंक में मेरे आ गया था पैसे। और इस बैंक से दोस्तों किसी बैंक में मैं पैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ, काफ़ी बढ़िया दोस्तों डीजी बैंक है। आपको दोस्तों प्ले स्टोर से एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, ध्यान रखिए जाना प्ले स्टोर डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको इस पर आपको साइन अप करना है, जैसे कि दोस्तों व्हाट्सएप फेसबुक पे आप साइन अप करते हो उस तरह आपको साइन अप करना है, अपना नाम ईमेल एड्रेस मोबाइल नंबर और एड्रेस वगैरह इस पर डालना है, ठीक है। डालने के बाद दोस्तों अपना मोबाइल नंबर मतलब जो आधार कार्ड डालना है, ठीक है, पैन कार्ड डालना है और दोस्तों यहाँ पे डालते ही आपका सेविंग अकाउंट खुल जाएगा, अगर आपका मोबाइल में अटैच रहा आधार कार्ड पर तो आपको डिजिटल साइन हो जाएगा, आपके जो आधार कार्ड पर मोबाइल में अटैच है उस पर OTP जाएगी या आप उस पर फिल करोगे और फटाफट आपका डिजिटल यहाँ पे अकाउंट जो है खुल जाएगा। उसके बाद दोस्तों पर्सनल लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, अगर नहीं मिलता है तो आप दोस्तों कुछ मतलब कुछ महीने आप उससे पैसे का लेन देन करो, मात्र 5 रुपये आपको मेंटेन करने के लिए कहता है हर महीने, धन किए उसे आप मेंटेन कर लेते हो तो आपको दोस्तों 1 लाख से लेकर 15 लाख तक का लोन आप ले सकते हो। और आपको सिर्फ आपके आधार कार्ड पैन कार्ड पर लोन चाहिए तो वो आपको ऑफर देते हैं, अगर आप कहीं सैलरी पर जॉब करते हो, ठीक है, और आप इसमें सैलरी स्लिप देते हो तो आपको दोस्तों 15 लाख का भी लोन मिल सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर लिमिट दिया गया, अगर आपके पास सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड है उस पर आपको यहाँ पे आपको 50,000 से लेके 2 लाख तक का ही लोन मिलेगा, अगर उससे बड़ा लोन चाहिए तो आपको इनकम प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है।
छोटा लोन लेना है तो फटाफट ले सकते हो। इस तरह दोस्तों मैंने लिया था लोन, काफ़ी बढ़िया है और दोस्तों ऑटोमेटिक मेरा इसमें बैंक से पैसे कट जाते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है मुझे, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया बैंक है दोस्तों डीजी बैंक, एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों मैंने वीडियो में पूरा एग्जाम्पल मैंने दे दिया, मैं आपको पूरा एग्जाम्पल दे दिया है कैसे कैसे मैंने अप्लाई किया है, आप भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप दोस्तों इस पर अपना खाता खुलवा सकते हो, ऑनलाइन डिजिटल खाता खुलवा सकते हो और दोस्तों बिल्कुल सिंपल तरीके से बिना डॉक्यूमेंट्स के भी लोन आप ले सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आए हुई, ऐसे वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि दोस्तों आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आता रहूँ, और दोस्तों साथ में बेल घंटा जरूर बता दीजिएगा।